Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing life processes and this is lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. In last lecture, we had discussed about the heart anatomy and in heart anatomy, we had already discussed about the structure of heart. And now, we will discuss about the function of heart. So, we will discuss how it function and how it work for circulation of blood in the human body. So let us discuss today about the function of heart. So function of this was what we had discussed in previous lecture in anatomy, and now in this lecture we will discuss about the function of heart. So in heart you have understood that there are two types of blood. One is oxygenated blood. Types of blood in circulation, and there are two type of blood. One is oxygenated blood and another is deoxygenated blood. So we will learn it how one is oxygenated blood, another is deoxygenated blood. So oxygenated and deoxygenated blood, we will learn about them. Right. So oxygenated and deoxygenated. Oxygenated and deoxygenated blood. Here, oxygen is attached to hemoglobin of the blood. Right? Hemoglobin of the blood. Here, CO2 and a little oxygen, little O2 is attached to hemoglobin of blood. Right. So there are two type of blood. You know, blood is a fluid connective tissue, which forms 30 to 35% of total extracellular fluid, right? In adult, blood volume is 5 to 5.5 liter. Right, blood contains plasma cells and blood corpuscles. Cells is called blood corpuscles or this. So we can say plasma cells or blood corpuscles. So these are the basic feature of blood which contain in human body. अब आइए देखते हैं कि ये function कैसे करता है. तो ये है lungs. ऐसा एक diagram बनाया गया है. Lungs का यहाँ कोई picture नहीं है, एक symbolic representation है कि lungs है और lungs से जो निकलता है vein,
क्योंकि हार्ट में जाता है तो उसको वेन कहते हैं, जो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाता है उसको वेन कहते हैं। तो ये पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है और लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करता है। लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, आपको बता रखा है, ये होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व वाल्व। और इसमें जब ब्लड भर जाता है इस वेन की जगह, यहाँ पे चार वेन्स होते हैं बताया हुआ है आपको, तो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो एओर्टा होता है उस एओर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था। और बॉडी ऑर्गन से फिर ब्लड जो आता है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ये डार्क रेड कलर का ब्लड होता है, इसको ब्लू ब्लड भी कहते हैं, इसलिए ब्लू सिंबल से बनाया हुआ है। तो डार्क रेड ब्लड जो आता है या ब्लू ब्लड जिसको कहते हैं, ये आता है राइट एट्रियम में, और ये दो तरह से आता है, एक सुपर सुपीरियर वीना कावा से और इंफीरियर वीना कावा से आता है, राइट एट्रियम में पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद यहाँ से फिर ये पंप होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पहुंचता है। तो ये पूरी साइकिल है जो लंग्स और हार्ट मिलकर ये करते हैं। लंग्स में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है, O2 मिक्स हो जाता है, और यहाँ से रिलीज क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है CO2। तो जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स के पास जाकर के वो ब्लड में मिक्स होता है, और यहाँ से CO2 रिलीज होता है जो हम एक्जेल करते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाता है, और जो पल्मोनरी वेन्स है ये वाला, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, कैरी फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट, राइट, ये होता है। तो ये इनका, और यहाँ पे ये जो है ये कहां से, तो राइट वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कैरी, राइट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट ना। तो ये है इनका काम, ये बाकी काम है, बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड ऑक्सीजनेटेड सप्लाई होती है, और जो ब्लड कलेक्ट होता है ड्रेन होकर के आता है राइट एट्रियम में, वो जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये पूरी डायग्राम्स आप पिछले क्लास में जो एनाटॉमी बताया था ये, इसके जरिए आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कि यही इससे जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये पूरा का पूरा जिससे ऊपर जाता है ब्लड और लेफ्ट और राइट लंग्स में पहुंचता है, और यहाँ पे पल्मोनरी ये आयोटा जो है, ये आयोटा जो है ये मेन आर्टरी है जिससे ब्लड जो है बॉडी में पहुंचता है, आगे छोटे छोटे और आर्टरीज में, स्मॉल आर्टरीज में ये डिवाइडेड होता है, उसके बाद ये कैपिलरी में डिवाइड होता है, अब ब्लड आगे तक पहुंचता है। तो इस हिसाब से, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक सर्कुलेशन जिसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो किसके किसके बीच में हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको कह सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, और हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन है, ये बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन है हार्ट से निकल के, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन सर्कुलेशन, ठीक है। तो यही बात थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी
circulation, and in this circulation oxygenated blood carried from lungs to heart, or even you say left atrium of heart and deoxygenated blood carried from right ventricle of heart to lungs. In simple way, one can say the circulation between heart and lungs is called pulmonary circulation. So what about the circulation between these two is called pulmonary circulation. That is between circulation between where heart and lungs, right? So that is called pulmonary circulation. Remember this fact. Pulmonary circulation is what? This one is pulmonary circulation. So I hope you got it. Now the next thing is systemic circulation. Second point is systemic circulation. What is this? The circulation between heart and all other parts of the body except lungs is called systematic circulation. It's called systemic circulation. I hope you got it, right? So during circulation of blood in the different part of the body through arteries, there is a pressure that is called blood pressure. So let us now learn about blood pressure. What is blood pressure? So blood pressure, what is this? The pressure at which blood is pumped around the body by heart is called blood pressure, right? The maximum pressure is called systolic pressure. Maximum pressure during contraction of right left ventricle. So left ventricle when contract, then pressure increased and blood is pumped through aorta. So that time pressure is maximum. So during contraction, the pressure is maximum, and that pressure is called systolic pressure. And when
heart is relaxed, that is right ventricle is relaxed, in left ventricle is relaxed, left and right both are relaxed at the same time and both are contracted at the same time, as you know. So when they relaxed, then the pressure is minimum. Still the blood is flowing. ब्लड ऐसा तो है नहीं कि फ्लो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि वो रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड का फ्लो बंद हो जा रहा है, तो ब्लड का फ्लो बाकी ऑर्गन में तब भी सप्लाई जारी रहता है, तो उस स्थिति में इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है ह्यूमन बींग में, और ये स्टैंडर्ड माना जाता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 मिलीमीटर होता है स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा होने पे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ये हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज दिस, द मैक्सिमम प्रेशर थ्रू विच हार्ट लिव्स, blood leaves heart to main artery three iota is called systolic pressure. Right, maximum pressure. So during the contraction of H, during contraction of H, here it comes with word of during contraction of H, it's called systolic. The normal systolic pressure is what? The normal systolic pressure is 120 millimeter of Hg. This is the unit of measuring the pressure, 120 millimeter of Hg. The another one is called diastolic pressure. What is that? The pressure through which blood is carried out in different arteries during a relaxation phase. Relaxation phase of heart is called diastolic pressure. The normal range of diastolic pressure is 80 millimeter of Hg pressure. So remember this, 80 millimeter of Hg pressure. So this is the actual diagram of heart. You can see earlier we have what made, that is just for understanding this. These are pulmonary veins. यहाँ पे भी दो ही दिखाया हुआ है, वैसे ये होते कितने हैं, ये चार होते, ठीक है ना, दो लेफ्ट से आते हैं
और दो राइट से आते हैं, तो ये चार होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है ना। और ये पल्मोनरी आर्टरीज है जो कि कहाँ जाता है, ये जाता है लंग्स में, है ना, ये लंग्स में जाता है। ये आयोटा है जो मेन है हमारा आर्टरीज, जो कहाँ जाता है, बॉडी। ये जैसा कि आपको बताया हुआ है कि ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज है ना, और ये वाला राइट पल्मोनरी आर्टरीज है। और आर्टरीज का मतलब ये हुआ, जैसे बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो दो भागों में बट जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट लंग्स को जाता है एक राइट लंग्स को जाता है। ये जो है वीना कावा है ऊपर वाला, ये सुपीरियर वीना कावा है जैसे कि पहले बता रखा है, और ये इंफीरियर वीना कावा है जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड ड्रेन करता है, और ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ड्रेन करता है। ये राइट एट्रियम है जिसमें आकर के ये सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जमा होता है, और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जमा होने से यहाँ पे इसमें जमा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है ट्रेन होकर के कहाँ से, पूरी बॉडी से, और यहाँ पर आकर के फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो आपको हमने पहले बता रखा है कि दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, इसमें तीन कस्प होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जब जमा होता है, जब ये ब्लड आते हैं इसमें सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा से इसमें, तो ये ब्लड जो होता है, ये ब्लड इसमें जो आता है जमा होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब इसमें ब्लड जमा होता है तो ये तब ये रिलैक्सेशन फेज में होता है, जब ये फेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, और टू थर्ड ब्लड जो है वो कहाँ जमा हो जाता है, आकर के राइट वेंट्रिकल में जमा हो जाता है। फिर जब ये जमा हो जाता है और ये तब उस समय रिलैक्स रहता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व जो है क्लोज हो जाता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, पहले ऐसे खुल रहा था ये ऐसे खुल रहा था, अब ऐसे जाकर के जमा हो जाता है, और नीचे से एक और वाल्व होती है जो इसको पैक कर देता है, तो ये जो ब्लड है ये ऊपर की ओर नहीं जा पाता, और फिर ये सेमी लूनर वाल्व जो है इसके जरिए खुल करके और ये लंग्स में चला जाता है। ये दो भागों में बटा होता है, एक यहाँ से इधर की ओर गया है, ध्यान से देखें, और एक यहाँ से इधर की ओर, ये जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का लाएगा, राइट में जो जाएगा वो राइट पल्मोनरी आर्टरी का लाएगा। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, लंग्स से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से ये लंग्स से फिर ये ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है इस वेंस के जरिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, नेटेड ब्लड इसके जरिए वेंस के जरिए आता है, ये इसके जरिए, और यहाँ के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, स्पोरिकल भी कहते हैं। यहाँ पे ये ब्लड जब पहुंच जाता है तो ये रिलैक्स रहता है, पूरी की पूरी रिलैक्स रहता है। जब इसमें पहुंच जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये ब्लड इसके अंदर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये बाइकस्पिड वाल्व जो है ये बंद हो जाता है। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है, और ये चूंकि हेवी मसल्स होते हैं, इसके इस मसल्स की वजह से क्या होता है कि इसकी कार्डियक ट्विस्ट होती है, एक थोड़ा सा ये बेंड हो जाता है, और बेंड होने के साथ ये सेमी लूनर वाल्व जो यहाँ पे है, जिसको एरोटिक वाल्व भी कहते हैं, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, इसके में ब्लड जा करके और बॉडी में पंप होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तब प्रेशर बहुत हाई होता है, तब की प्रेशर जो है वो है 120। इस समय के प्रेशर को हम कहते हैं कि ये है सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कितना होता है, ये होता है 120, ठीक है। ये 120 प्रेशर होता है जब ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, और वॉल्यूम डिक्रीज होती है तो प्रेशर ज्यादा होता है, और इस प्रेशर से ये ब्लड जो है हार्ट को लीव करके एओर्टा में चला जाता है, और एओर्टा में चला जाता है तो ये थोड़ा उस स्थिति में थोड़ा ज्यादा प्रेशर पे होता है, और उस प्रेशर को 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी होना चाहिए। वैसे एक नॉर्मल रेंज है कि अगर ब्लड प्रेशर ह्यूमन में 111 अगर हो, 111 अपॉन 60, तो ये बढ़िया माना जाएगा, ये गुड माना जाएगा। 120 मैक्सिमम है, और मैक्सिमम जो होता है वो 120/80 होता है,
इसको हम मान सकते हैं कि ये ठीक है, या इससे ज्यादा, जब 120 से ज्यादा होगा तो हाइपर टेंशन होता है। तो एक हो गया हाइपर टेंशन, ये क्या होता है जरा इसके बारे में हम ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हाइपर टेंशन। ठीक है, तो हाइपर टेंशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, व्हाट इज दिस? द हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, द हाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर इज कॉल्ड हाइपर टेंशन, इज कॉल्ड हाइपर टेंशन, टेंशन इट कॉज द रप्चर ऑफ आर्टरीज which may leads to internal bleeding, right? And ये होता क्यों है? Hypertension होता क्यों है? High blood pressure होता क्यों है? ये है कि when arteries has some blockage or it become narrow, then only hypertension will be there, blood pressure will increase. So it increases hypertension, hypertension increases, increase the, so hypertension increases the resistance of flow of blood in arteries. This manometer, the instrument through which blood pressure is measured, pressure is measured, right? Measured. So sphygmomanometer is the instrument through which the blood pressure is measured. Right? This is what sphygmomanometer. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, और ब्लड प्रेशर अगर अंडर कंट्रोल है तो इसका मतलब हार्ट अच्छा फंक्शन कर रहा है। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है कि कई तरह के होते हैं, जैसे ये ट्यूब होता है और इस ट्यूब जो आर्टरीज है, इस आर्टरीज के इनर लेयर पे कुछ जमा हो जाए तो ये थीकर हो जाएगा, और ये थीकर हो जाएगा तो ये नैरो हो जाएगा, और ये नैरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कई बार इसके अंदर ब्लॉकेज होती है, तो इस आर्टरीज को फिर साफ किया जाता है वायर डाल के, और ये ऑपरेशन किया जाता है अगर कोई ब्लॉकेज है तो इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए। तो कई तरह के ट्रीटमेंट है जो किया जाता है, लेकिन ये तभी होगा जब ये इलास्टिसिटी या तो लूज कर दे, इसकी बहुत इलास्टिक होता है, या ये थीकर हो जाए और इंटरनल वॉल पे कुछ जमा हो जाए, या इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल और या कुछ और चीजें जमा हो जाए जिससे ये थीन हो जाए, नैरो हो जाए, और नैरो हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आज की क्लास में ये सारी बातें आपको बताई, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आ गई होगी कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट तक और फिर हार्ट से बॉडी तक, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो और नॉर्मल रेंज क्या है, ये सारी कॉमन बातें हैं जो आपके जीवन में हमेशा काम आएगा अभी से लेकर के और टिल जब तक आप जीवित हैं तब तक। ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल होना चाहिए, अगर बढ़ता है तो फिर परेशानी होती है, तरह तरह की परेशानियां हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां होती है। सो आई होप यू गॉट इट राइट, ये सारे फंक्शन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, और ये सारे फंक्शन जो हमने बताई है इसमें ये सारी हाइपरटेंशन क्या होता है ये भी एक पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया कि हाइपरटेंशन क्या होता है,
और हाइपरटेंशन जो होता है वो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा होने लग जाए, जितना ज्यादा होगा उतना हाइपरटेंशन होगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर क्या है, तो प्रेशर जिस प्रेशर से हार्ट पंप करता है और ब्लड जो है वो लीव करता है मेन आर्टरी को, उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक जो सर्कुलेशन होता है दो तरह का होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट से लेकर के और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक होता है एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि हार्ट से लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसके किसके बीच में होता है, ये होता है लंग्स के लेफ्ट एट्रियम से और हार्ट तक, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। तो ये दो चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन मिक्स्ड, तो इसमें ऑक्सीजन अटैच रहता है होमोग्लोबिन ऑफ ब्लड से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है होमोग्लोबिन ऑफ ब्लड में। तो ये है टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बाद ये टाइप ऑफ सर्कुलेशन है, दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं। तो ये सारी बातें आज हमने सीखी है और उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगली क्लास में जब फिर हमारे मुलाकात, ब्लड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे और चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे विल बी आल्सो इक्वली बेनिफिटेड। थैंक यू, गॉड ब्लेस।